हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा। मैं अरीबा आज आप लोगों को इंदुलेखा भृंगा ऑयल ऑयल के बारे में रिव्यू करूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी, साथ ही साथ बताऊंगी ब्यूटी मंत्रा यानी ब्यूटी टिप्स और इसे लगाने का अच्छा तरीका ही बताऊंगी। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हे फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज मैंने इंदुलेखा भृंगा ऑयल लिया है। इसे शुरू करने से पहले ये बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे आने वाले न्यू वीडियो से अपडेट रहेंगे। साथ में बेल का आइकन भी दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इसे दे बिग थम्स अप एंड लाइक बिल्कुल भी ज़्यादा करें और शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड में मेरी वीडियो को। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, एन आयुर्वेदिक है, प्रिपरेटरी मेडिसिन है ये। और ये इंदुलेखा बहुत टीवी में इसकी जोर शोर से ऐड हो रही है, बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैंने इसकी 2 फाइल अपने पेरेंट मम्मी के ऊपर दिया यूज़ करने के लिए कि उन्हें कैसा रिएक्शन होता है और वो कैसा मतलब रिजल्ट देता है 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में कैसा ये एग्जैक्टली रिजल्ट देता है या हेयर फॉल पर वर्क करता भी है नहीं, ये मैं आगे जरूर वीडियो में बताऊंगी कि वर्क करता है कि नहीं। इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या क्लेम करता है। तो जैसे मैंने इंदुलेखा भृंगा ऑयल है ये 432 रुपये वाला पैक मैंने खरीदा है, जो 100 ml की 432 रुपये में। इसकी 50 ml वाली आती है वो 350-350 वाली है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी इसे परचेस कर सकते हैं, आपने अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैनुफैक्चरिंग डेट इसकी 6/2018 की है, एक्सपायरी डेट 20 की है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। बेस्ट बिफोर नंबर सी मतलब अच्छी है इसकी सेल्फ लाइफ है। एंड आयुर्वेदिक प्रिफर्ड मेडिसिन है, मेड इन इंडिया, मार्केटिंग बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर की है ये। तो ये अच्छा ब्रांड है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप इसे इजी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी कंटेन इंग्रेडिएंट्स की बात की जाऊँ तो ऑफिशियल कुमारी है, दृक्षा है और भृंगा है, आंवला है, अमृता है, वद्दिता, मतलब सारे इसमें जो ये होते हैं तत्व होते हैं इंग्रेडिएंट्स वो हैं, जो जड़ी बूटी हैं बहुत सारे वो है, वो कितने कितने ग्राम में है, एंड बैक्टीरियल लीव वेजिटेबिलिटी ऑफ फ्रूट लीफ, मतलब सारा कुछ इसमें अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। सब बोलते हैं कि ये एक नॉर्मली है। इंदुलेखा भृंगा ऑयल इज अ रेगुलर हेयर ऑयल बट आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन, कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल ऑल्सो स्कैल्प रिलेटेड टू द कस्पथा एंड द ड्रिंक एक्सेट्रा। इसमें तो सब कुछ ऐसा लिखा हुआ जो आप भी पढ़ सकते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। मैं इसकी अंदर की ये बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कैसा है। तो ये इस तरह से है, मैं यूज़ करवा रही थी तो देख रहे कि मैंने कैप इसको लगवा रखा है और ये अंदर में इसकी कुछ नहीं है, बस एक आपने एक मैनुअल गाइड भी मिलेगी जो कि उसमें भी बहुत कुछ नहीं है, यही सब इंग्रेडिएंट्स और ये लिखे हुए हैं। और ये इस तरह से आया हुआ है, ये आपको अलग से मिलेगा, इसके ऊपर ये लिड लगी हुई थी और एक वाइट कलर का कैप लगा हुआ है जिससे ये बाहर नहीं होगा। अभी मैं इस तरह से करूँगी तो ये गिरने लगेगा, बिकॉज मैं यूज़ करवा रही थी, बॉटल खाली हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से ये पैक में निकलेगा, आपने इस तरह से कॉम्बिंग करना है। आपने इसका इस्तेमाल सिर्फ स्कैल्प में करना है, अपने रूट पे या मिडिल रूट पे बिल्कुल भी नहीं जाएं, वहाँ पे जाने से आपको इसकी कुछ इफेक्ट अच्छी नहीं मिलेगी। और बस स्कैल्प में करें क्योंकि थोड़ा कॉस्टली ऑयल है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये रूट्स में करें, खास करके फ्रंट रूट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेयर हमारी फॉल होती है तो फ्रंट रूट पे ही होती है, ये सबसे पहले याद रखें। जो आगे का हिस्सा होता है तो वो इससे पे अपने सर के ज़्यादा ध्यान दें, बैक में तो हेयर ग्रोथ अच्छा होता है और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है, जितना भी हेयर फॉल होता है हमें आगे से होता है, तो ये ज़रूर ख्याल करेंगे। उसके बाद आपने वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। अभी रिजल्ट की रही बात, तो मैं रिजल्ट यही कहूँगी कि जी हाँ, ये अच्छा रिजल्ट देता है। आप अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है तो उन्हें हफ्ते में 4 दिन लगाना होता है, मतलब आज लगाएं, कल अपने नेक्स्ट डे वॉश कर लेना है, फिर अपने नेक्स्ट डे लगाना है, फिर वॉश कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने हेयर पर इस तरह से इसे यूज़ करें। और जिन्हें कम हेयर फॉल होती है तो वो हफ्ते में 3 दिन लगाएंगे, 1 डे लगाएं, 1 डे छोड़ दें। पर आई सजेस्ट कि आपने वो आज रात लगाएं, कल वॉश कर लें नहीं। अगर आप आज के पास टाइम है तो आप आज रात लगाएं, तो आपने कल पूरा डे रहने देना है, फिर अपने उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश करना है, क्योंकि थोड़ा दिन अपने हेयर में ऑयल रहने देना है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये यही मेरी टिप्स हो गई और यही मैं आपको फॉलो करवाने के लिए बोल रही थी। सो फ्रेंड, तो अच्छा रिजल्ट आएगा जैसा होगा तो आप मुझे इससे जुड़ी कोई भी कमेंट होगी तो आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।